Hey, what's up guys, शुभो सिद्धार्थ है एंड यू वॉचिंग पिक्सल स्पार्क स्टूडियोज। सो बहुत दिन हो गए मुझे लोग कमेंट भी पूछ रहे हैं सर कि क्लीन प्लेट मास्टर क्लास का क्या हुआ। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए यार वो वीडियोज़ आ नहीं रहे थे रेगुलरली, लेकिन आज से मैं फिर से बोलता हूँ कि क्लीन प्लेट मास्टर क्लास को मैं अबैंडन नहीं कर रहा हूँ, उसको रिज्यूम करूँगा। आज से क्लीन प्लेट मास्टर क्लास का हर एक वीडियो एवरीडे आएगा और साइड बाय साइड जो अभी नेक्स्ट सीरीज चल रही है कैरियर गाइड वो भी आएगी पैरेलली। तो दिन में मिनिमम दो वीडियो तो होने ही होने हैं और थर्ड वीडियो भी आ सकता है अगर होगा तो। तो आज जो वीडियो हम करने वाले हैं वो है क्लीन प्लेट के ऊपर में, और ये पहला वीडियो जो है ये होने वाला एकदम बेसिक। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ सिखाऊँ इसलिए इसके अंदर एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, ग्राउंड जीरो से। तो सबसे ईजिएस्ट क्लीन प्लेट इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये है एकदम स्टैटिक कैमरा क्लीन प्लेट, जिसके अंदर कैमरा जो स्टैटिक रहेगा और एक हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मूव होगा और बाद बाकी चीज़ें हम लोग हटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जो लाल बटन नीचे दिख रहा है उसको दबा दो और बगल में बेल आइकन करके दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको, जैसे मैंने बोला पहले भी, कि एक क्लीन प्लेट दिखाऊंगा, एक बेसिक क्लीन प्लेट दिखाऊंगा जो सबसे ईजिएस्ट होता है, जिसके अंदर स्टैटिक एक कैमरा रहता है, उसके अंदर एक जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हटाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक के अंदर एक फुटेज इंपोर्ट करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो थोड़ा कहीं पे प्रैक्टिस करिए अगर नहीं पता है तो, वरना मैं फ्यूचर में एक वीडियोज़ बना दूंगा कि न्यूक कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि फुटेज कैसे इंपोर्ट करते हैं न्यूक के अंदर। न्यूक के अंदर फुटेज इंपोर्ट करने के लिए तीन चार तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, उसके बाद इमेज के अंदर जाके रीड नोड यूज़ कर सकते हो, या फिर टैब दबा के यहाँ पर रीड लिख सकते हो, या फिर जस्ट सिंपली आर क्लिक करोगे तो शॉर्टकट है रीड नोड का, आर दबाओ तो रीड नोड आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी जो फाइल की लोकेशन है वो दे दीजिए कहाँ पर है। तो मेरी लोकेशन कहाँ पर है मैं बताता हूँ आपको। तो हम मेरी लोकेशन के अंदर मैं जाता हूँ और ये यूट्यूब और उसके बाद नहीं ऊपर है, तो मेरी फुटेज स्टैटिक सीक्वेंस। तो हमेशा आप एक सीक्वेंस बना कर रखिए अपने फुटेज का। और अब मैं इसको तो मैं बता दूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर इस व्यूअर के अंदर दिखा क्यों नहीं रहा है। जो नोट पे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, आपको मैन्युअली सब कुछ करना पड़ता है। तो एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया इमेज, आप जो व्यूअर नोड है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहती है, तो उसको यहाँ पे आप इससे कनेक्ट कर दें। उसके बाद देख पा रहे होंगे व्यूअर के अंदर आपकी जो फुटेज है वो दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो काम होता है हमें कि हमेशा एक सेव कर ले अपने प्रोजेक्ट को, कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम पहले सेव कर लेते हैं सेव कॉम्प को, और इसका एक नेम और लोकेशन दे दें जैसे हम लोग देते हैं। तो मैं स्टैट टेक दे दिया सेव डन। अब हम अपनी सेटिंग देख लेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके ऐसे दबाइए, अपनी कॉम्प की सेटिंग देख लीजिए एक बार। बाय डिफॉल्ट 2K रहता है, आप इसे जितने में आप काम करें उतने कर लीजिए। ये 920x1080p था तो मैं इसको 1080p में कर लेता हूँ, क्यों फालतू में क्यों 2K में करूँ। उसके बाद फिर से इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी फुटेज है। अब हम लोग पूरे एक बार फुटेज को एनालाइज कर लेते हैं कि हम क्या अलग करेंगे और इसे कैसे करेंगे। क्लीन प्लेट का भी यही है, पहले सबसे पहले आप ध्यान से अपनी फुटेज को एक दो बार देखें, पूरा अच्छे से एनालाइज करें, उसके बाद अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करें कि किस वे से या फिर किस टेक्निक से आप उस क्लीन प्लेट को करने वाले हैं। तो हम जो देख रहे हैं हमें करना ये है कि ये जो कैरेक्टर है इसको रिमूव करना है, और ध्यान में ये भी रखना है कि आप देखिएगा कि यहाँ से एक कुछ शेड, ये जो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शंस जो आ रही हैं वो ना रहे। तो हम कुछ ऐसे फ्रेम सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ये बच्चा पहले फ्रेम के अंदर और लास्ट फ्रेम के अंदर ही है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे भी करके हम इस बच्चे को काट लें। तो इसके अंदर तो ये हो रहा है कि ड्रास्टिक चेंजेस जिन दो फ्रेम्स के अंदर लगेगा उन दो फ्रेम्स को हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट फ्रेम में और लास्ट फ्रेम, क्योंकि पहले फ्रेम में बच्चा यहाँ पर है तो इधर की इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मिल जाएगी, और लास्ट फ्रेम के अंदर अगर जाएंगे तो हमें पूरी यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर हम ये दोनों फ्रेम को एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप के अंदर ले जाएंगे और इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो वो भी प्रोसेस, और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि वो फ्रेम ऐसा वो ले जिसके अंदर यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन जो कार की वो ना आए। मैं चाहता तो ये पूरा क्लीन प्लेट जो है वो पूरा के पूरा न्यूक के अंदर भी कर सकता था, क्योंकि इतना ईजी है, कुछ रोटो नोड लगाता एक दो फ्रेम के अंदर ये हो जाता। लेकिन मैं जैसे मैंने बोला कि मैं हर एक स्टेप को समझाऊंगा
जो फंडामेंटल्स है, इसलिए मैं फोटोशॉप के अंदर करके दिखाऊं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्लीन प्लेट जो होती है वो फोटोशॉप के अंदर होती है, तो ग्राउंड जीरो से मैं फोटोशॉप के अंदर करके दिखा रहा हूँ। तो वंस हम लोग फर्स्ट फ्रेम में जो देख रहे हैं, हम लोग जैसे मैंने पहले बोला कि फर्स्ट फ्रेम में हमारा कैरेक्टर यहाँ पर था और लास्ट फ्रेम में कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, तो लास्ट फ्रेम से हम लोग इधर की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और फर्स्ट फ्रेम के अंदर हम लोग इधर की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और दोनों को फिर कार्ड जोड़कर एक सिंगल फ्रेम रेडी करेंगे। तो ये तो एकदम बेसिक सिंपल फुटेज थी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी, हमारे पास सीक्वेंस है, तो हम लोग बस फ्रेम नंबर नोट करेंगे और उस फ्रेम को फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करेंगे। अगर आपने सीक्वेंस नहीं किया है तो यहाँ से आप इंडिविजुअल फ्रेम्स को भी फ्रीज फ्रेम करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सीक्वेंस है तो उस फ्रेम नंबर को नोट कर लूँगा और उस फ्रेम को हम लोग फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट फ्रेम जो है उस फ्रेम को और हमारी लास्ट फ्रेम को मैं फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करूँगा, 221 और 0 फ्रेम नंबर 1 को। तो हम फोटोशॉप खोल लेते हैं, और अगर आपको यार कोई भी क्वेरी होना नीचे लिखते रहना, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नीचे हम जल्द से जल्द अपने फोरम भी लेके आने वाला हूँ, फेसबुक पे पेज भी क्रिएट करने वाले हैं हम लोग और वहाँ पे कम्युनिटी क्रिएट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, हम लोग जल्दी उस पर भी कुछ करने वाले हैं कि जहाँ पर आप हम लोग एक जगह मिलकर कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि यूट्यूब के अंदर तो क्या वीडियो के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस लेवल की कम्युनिकेशन नहीं हो पाती जितनी अच्छे से फेसबुक ग्रुप्स के अंदर होती है और फेसबुक पेजेस के अंदर होती हैं। तो वो जल्दी सोशल मीडिया हैंडल्स आने वाले हैं सबके, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के एंड फेसबुक के। तो स्टे ट्यून्ड, हमेशा नीचे कमेंट्स, हमेशा डिस्क्रिप्शन देखते रहिए, या फिर जब भी होगा तो हम लोग मेंशन भी कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये है हमारी सीक्वेंस है, और मैंने जैसे मेंशन किया था कि हम फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम को इंपोर्ट करेंगे फोटोशॉप के अंदर में, तो मैं क्या करता हूँ, पहली जो फ्रेम है उसको मैं फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो हमारी जो फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम क्रिएट हो गई है, और अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम हम लोगों ले लिया, अब मैं अपना लास्ट फ्रेम, जो लास्ट फ्रेम है वो ले लेता हूँ, लास्ट फ्रेम भी फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर लिया। तो अगर आपका कुछ ऐसा दिखा रहा है तो उसको क्या कर लीजिए, सबसे पहले अपने फोटोज़ को रेस्टराइज कर लीजिए, तो राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर लीजिए, और जो नीचे वाला बैकग्राउंड लेयर है उस पर डबल क्लिक करके आप उसको अनलॉक कर लीजिए। वंस ये हो गया, अब हम इसका करेंगे क्लीन प्लेट प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले जो मेन काम रहता है वो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमारा जो टॉप लेयर रहेगा उसकी ओपेसिटी हम लोग कम करके एक बार देख लेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है उसको ओपेसिटी कुछ दूसरी मोमेंट हो रही कि नहीं हो रही। आप ध्यान रखिए, ये सब एजेस ध्यान से देखिए और ये सब एजेस में देखिए कि क्या हमारा कैमरा थोड़ा भी मूव हुआ था कि नहीं हुआ था इन दो फ्रेम्स के बीच में। तो हम लोग ओपेसिटी एक बार कम बेसी करके देख लेंगे, तो एकदम कैमरा हमारा बिल्कुल भी मूव नहीं किया था, तो एकदम ईजी होने वाला है। तो अब हम अपनी ओपेसिटी कम कर लेंगे, जैसे मैंने ओपेसिटी अराउंड 50% में हमेशा कर लेता हूँ, और उसके बाद हम एक मास्क लगा देंगे इस लेयर के ऊपर में, और इस खाली कैरेक्टर को हम लोग मास्क आउट कर देंगे ताकि जो बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी रिमेन रहे। तो मैं इस पर एक मास्क लगा देता हूँ, यहाँ पर मास्क लगा दिया। अब हम ब्रश टूल लेंगे और अपनी ब्रश साइज को छोटा करेंगे, और मैं बस कैरेक्टर को रिमूव कर दूँगा। तो ब्लैक से पेंट करेंगे हम लोग, ब्लैक कलर से, और पेंट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैरेक्टर को रिमूव करेंगे और ज़्यादा हम लोग जाएंगे नहीं, तो आराम से, और थोड़ी बहुत डिटेल्स पे हमेशा ध्यान रखें कि कुछ और मिस ना कर जाएं। और अब थोड़ा बहुत डिटेल्स के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ कैरेक्टर की जो थी ना रिफ्लेक्शंस यहाँ पर आ गई हैं, तो हमें उन रिफ्लेक्शन को भी हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी मास्क आउट कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो क्लीन प्लेट बेसिकली है वो हो गया। मैं ओपेसिटी फिर से 100% कर देता हूँ। अब उसके बाद हम लोग एक बार ऑन ऑफ करके देख लेंगे। ओके, तो हमारे क्लीन प्लेट ओके। तो मैं एक बार हमेशा फोटोशॉप पे आप अपने लेयर्स को ऑन ऑफ करके देख लीजिए कहीं प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मैं एक प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ अपने यहाँ पर, कि यहाँ पर एक थोड़ा सा पार्ट जो है मैंने मिस कर दिया था, तो मैं उसको वापस पेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हमेशा एक बार फोटोशॉप के लेयर्स को ऑन ऑफ जल्दी जल्दी करके एक बार देख लीजिए कि कहीं आपने प्रॉब्लम तो क्रिएट की थी कि नहीं की थी। तो अब हम एक चीज़ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो थोड़ी बहुत जो कुछ चीज़ें आ गए थे, जो टेक्सचर था जो ग्राउंड का, वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी। तो मैं फिर से इस बार इस जगह को भी मास्क आउट कर देता हूँ ताकि ये भी एकदम मैच रहे। हाँ, अब ठीक है, अब हमारे थोड़ा बहुत इस जगह पे, और अब हमारी क्लीन प्लेट है जो बिल्कुल एकदम 100% हो गई है। इस क्लीन प्लेट के जो आपने कुछ समझा होगा, और मैं समझा भी देता हूँ कि बेसिकली क्लीन प्लेट होता क्या है। क्लीन प्लेट बेसिकली अपने फुटेज से कुछ कुछ फ्रेम्स लेकर आते हैं जो क्लीन रहते हैं,
और उनको सबको कंबाइन करके एक सिंगल क्लीन प्लेट तैयार करते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो यही, जैसे हम लोगों ने इसके अंदर किया, मैंने दो फ्रेम्स इंपोर्ट किए जिसके अंदर ये वाला एक रीजन विजिबल था और एक के अंदर ये वाला रीजन विजिबल था, फिर दोनों को कुछ टूल्स यूज़ करके मर्ज यूज कर दिया और फिर क्लीन कर दिया। बेसिकली कितना भी डिटेल्ड, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, सारे के सारे क्लीन प्लेट इसी टेक्निक से होते हैं। फ्रेम्स को लाएंगे अलग अलग जगह से फ्रेम्स को, और बाद बाकी फोटोशॉप के अंदर लोग मैजिक करते हैं, दोनों को एक साथ सारे फ्रेम्स को जोड़ मोड़ के एक क्लीन प्लेट रेडी करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा स्टैटिक कैमरा था, तो इसके अंदर क्या था कि किसी भी हम लोग वीडियो के अंदर फुटेज के अंदर लगाएंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अगर, लेकिन थोड़ा बहुत भी कैमरा मूवमेंट होता तो हमें वापस न्यू के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा और एक कैमरा प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम करेगा। तो ये जो चीज़ है वो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो मोहब का तो आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट्स में लिखो, और आप इस सीरीज के अंदर क्या चाहते हो वो भी लिखो। और मैं बता देना चाहूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो होने वाला है रिग रिमूवल यूजिंग फर्नेस कोर, ये 100% न्यूक के अंदर हम लोग करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। तो और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।